वहीं संभल में भी बिजली की करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और युवक की मौत के बाद शव को गुन्नौर थाने के गेट पर रखकर लोगों की भीड़ ने थाने पर जमकर पथराव किया। इस बीच लोगों ने सड़क किनारे से ईंट उठाकर थाने पर जमकर पथराव किया। बता दें कि पथराव में कोतवाल सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई और भीड़ को देखते हुए स्थिति को संभाल लिया गया। बैलूनपुर गांव का एक ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानू लड़का था, जो एक टेंट मालिक यहां काम करता था। इन्होंने एक शादी में टेंट लगा रखा था कोयरा में। वहां पे रात में 2 बजे करीब वो जब टेंट उतारने गया तो बिजली करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका पंचनामा लिखा गया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी हॉस्पिटल भेजी गई। तब तक ये लोग आपस में एक इत्तफाकिया दे करके इन्होंने वो किया कि पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने बॉडी को उनके गांव पहुंचा दिया। गांव में क्रिमिनेशन की तैयारी हो रही थी। इन बिटवीन आपस में जो भी इनका समझौते की बात चल रही थी, जिसके यहाँ टेंट लगा था और या टेंट मालिक से, उसके बाद जो इनका तय नहीं हो पाया, फिर इन लोगों ने बॉडी ला करके थाने पर रख दिया। थाने पर रखने के बाद अनावश्यक रूप से अचानक ही इन लोगों ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया, जबकि हमारी पुलिस बल इस समय चेकिंग के दौरान क्षेत्र में थी। फिर पुलिस बल आई और उन्होंने इनसे बातचीत करके सब रखा किया गया।